हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आई होप आई एम लाइव नाउ एंड लेट मी चेक क्या सब कुछ सही चल रहा है। तो आई थिंक वी आर लाइव नाउ और सब कुछ सही चल रहा है। तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के जो वेट अ मिनट, चलिए तो आज जो है हम जो है नई क्लास शुरू करने वाले हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और आज आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि नाइट में जो 8 o'clock आज मैंने एक मेंटी रखा है जो कि 4th क्लास 10th ही रहेगा, तो मेंटी होगा आज किसके लिए होगा, क्लास 10th के लिए, ठीक है। 8 o'clock मेंटी होने वाला है। जब तक स्टूडेंट्स आते हैं तब तक मैं ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को कि ये सब कुछ क्या है। एंड वेलकम टू द क्लास, माई नेम इज़ मनीषा मरवाहा एंड हेयर वी आर गोइंग टू स्टडी फिजिक्स, राइट। सो इफ योर स्कूल विद द अन अकेडमी प्लस, ठीक है, तो अन अकेडमी की हेल्प के साथ आप अपने स्कूल में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और रिसेंटली जो है अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन पे आपको जो सब कहीं 10% off चल रहा है, राइट। तो हेलो पिंकू, हेलो प्रेरणा, हेलो आदित्य, गुड इवनिंग तनीषा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मनीषा मरवाहा एंड दिस इज अबाउट मी, राइट, कि जो कि अब आपको पता लग ही चुका है हम इतने दिनों से क्लासेस जो ले रहे हैं। नाउ कमिंग टू वर्ड्स न्यू ऑन अनअकैडमी, राइट, जो कुछ अपडेट्स हैं, जैसे कि आप अनअकैडमी पे अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। आप जो है अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया तरीके से अन अकेडमी के ऊपर कर सकते हैं बाय आस्किंग योर डाउट्स। आपको कोई भी डाउट है, किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे करनी है, क्वेश्चन जो आपके स्कूल में क्लियर नहीं हो रहे, जो डाउट स्कूल में क्लियर नहीं हो रहे, आपको होमवर्क में हेल्प चाहिए, एवरीथिंग अन अकेडमी इज गोइंग टू प्रोवाइड यू हेयर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अन अकेडमी आपको बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करने वाली है। कैसे पूछने हैं आपको डाउट, यू नो डैट आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, आस्क डाउट का एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे कहाँ होता है आपकी प्रोफाइल पर होता है, देन आपको क्या करना रहता है, आपको जो भी आपकी पिक्चर है आपको उसको क्लिक करना है, गैलरी में से चूज करना है, या फिर आप क्लिक कर लो और पूरा का पूरा पेपर उठा के नहीं डाल देना कि कौन सा पेपर है क्या है, ठीक है। आपको जो है सिर्फ जो आपका क्वेश्चन है पर्टिकुलर उसको क्रॉप करना है, उसको हाईलाइट कर दो, और जो सब्जेक्ट है वहाँ पे आप जो है आइदर इट्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री आप वहाँ पे उसको डाल सकते हैं। देन यू हैव टू वेट फॉर द टीचर कि वो आपको रिस्पॉन्स करे, राइट। सो न्यू बच्चे एंटर कर रहे हैं, तो हेलो दशनन एंड बाकी, चलो अब हम शुरू करने वाले हैं। पिंकू जी हेलो, ठीक है, तो कैसे आपको डाउट पूछना है वो मैंने अभी आपको बता दिया। आपको एक टाइम पे एक ही डाउट पूछना है, ऐसा नहीं कि 3 4 इकट्ठे क्वेश्चन डाल दो, नो, राइट। देन आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर पिक्चर क्लियर डालनी है क्योंकि सॉफ्टवेयर है, नहीं तो कोई सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से नहीं उठा पाएगा। आपको जो है सब पार्ट्स वगैरह है ऐसे वाले जो डाउट्स है अलग अलग करके डालना है, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन नंबर एक डाल दिया और उसके अंडर आपके 5 पार्ट्स हैं, तो यू डोंट हैव टू बी डू लाइक दैट, ओके। एक एक टाइम पे आपको एक ही क्वेश्चन डालना है एंड इसको जो है आपको प्रॉपर तरीके से जो है आपको अगर बुक से भी प्रिंट करना है, पोस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट डायरेक्टली फ्रॉम बुक, आप प्रिंटेड टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी भी डाल सकते हैं, बट आपको क्या नहीं करना, आपको जो है मल्टीपल डाउट्स नहीं डालने, आपको हैंड रिटन डाउट्स नहीं डालने, तो वो ब्लर हो जाएंगे, आपका जो क्वेश्चन है कम्प्लीटली नहीं दिखा जाएगा। ये शुरू कर रहे हैं अभी, बस थोड़ा जल्दी बस शुरू करने वाली हूँ, तब तक मैं ये थोड़ा करवा देती हूँ, तब तक जो है स्टूडेंट्स भी एंटर हो जाएंगे सारे के सारे, फिर बस उसके बाद मैं शुरू करने वाली हूँ। देन वी हैव अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और जो आज का चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपने देख लिया होगा टाइटल में आपको दिख गया होगा,
मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, समझने वाला है आपको, लेकिन मजा आएगा। राइट, देन आपके पास क्या है प्लस सब्सक्रिप्शन में, आपके पास क्या है, आपके पास रहता है कि आप जो लाइव क्लासेस लगा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से घर से बैठ के आप सारे लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर आप ये लेते हैं तो आपको जो अनलिमिटेड एक्सेस मिलती है सारे के सारे कोर्सेज पे, टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, आपको जिस टीचर से पढ़ना है, जिस टीचर का आपको समझ लगता है आप वहाँ से उनको समझ सकते हैं, रेगुलर डाउट क्लियरिंग होती है, आपका जो प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, आपको प्रॉपर गाइड और मेंटोर करा जाता है, देन आपका जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, लाइव टेस्ट सीरीज होती है, ये सब चीज़ें जो हैं आपको मिलती हैं प्लस सब्सक्रिप्शन में। एंड ये इसके कुछ प्राइजेस हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आपको 3 मंथ्स के लिए जाना है तो आपको जो है 6,750 पड़ता है। अगर आप जो यहाँ पे है डिस्काउंट यूज़ करते हैं, ठीक है, रेफरल कोड यूज़ करते हैं तब पड़ेगा, अगर आप नहीं यूज़ करते देन यू विल हैव टू पे दिस मच, राइट। और जब आप कर सकते हैं यूज़ तो क्यों नहीं करा जाए, ठीक है। तो अगर आपको 6 मंथ्स के लिए ट्राई करना है कोर्स को तो आप ये ले सकते हैं, 12 मंथ्स के लिए, 15 मंथ्स के लिए, जितने टाइम के लिए आपको ट्राई करना है आप जो है इस सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हैं। देन यू हैव आर्मी अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक में क्या होता है, आइकॉनिक इज लाइक 360, ठीक है, मतलब जो भी स्टूडेंट को चाहिए एवरी थिंग A to Z, चाहे आपका जो है पर्सनल, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आपको पता नहीं चल रहा आपको लाइफ में आगे क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, करियर के टेंशन हो रही है, समझ नहीं लग रहा, आपको पर्सनल गाइडेंस दी जाती है, आपको स्टडी वाइज तो हेल्प करा ही जाता है, ठीक है, आपको पूरा एकेडमिकली हेल्प करा जाता है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, आपको जो है रिपोर्ट्स दी जाती है, आपको डेली आपको शेड्यूल बताया जाता है, आपके लिए वीकली प्लानर दिया जाता है, आपने कैसा परफॉर्म करा, आपका जो चार्ट है कैसा जा रहा है स्टडीज में, आप कैसा कर रहे हैं, अन अकेडमी के जितने भी जो आपको बेनिफिट्स है, ठीक है, जो आपके एज ए स्टूडेंट आपके लिए नेसेसरी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं, राइट। देन वी हैव अन अकेडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ये कुछ चार्जेस है, लाइक 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 15 मंथ, जिसके लिए आपके ये कुछ प्राइजेस है, एंड इफ यू वॉन्ट टू गो यू कैन यूज दिस रेफरल कोड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, अब यहाँ पे एक न्यू जो फीचर है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, दैट एवरी स्टूडेंट कैन नाउ परचेज अनअकैडमी। जो ये सब्सक्रिप्शन है हर स्टूडेंट ले सकता है प्लस सब्सक्रिप्शन, किसी के लिए भी वो नहीं है। कैसे ले सकते हैं, आपके लिए जो यहाँ पर है EMI वाला पार्ट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, 0 cost EMI, ठीक है, आप जो है अपने जो पेमेंट है उसको पार्ट्स में कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। और अगर आप इंटरेस्टेड है, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंड यू रियली वांटेड टू हैव दिस थिंग, तो आपको जो है आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप जो है अन अकेडमी के स्पेशल एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, वो आपको पूरे बढ़िया तरीके से बताएंगे कि इस चीज़ को कैसे आपको अवेल करना है। देन वी हैव अन अकेडमी कॉम्पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, स्कॉलरशिप टेस्ट है क्लास 6th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अन अकेडमी आपको एक चांस दे रही है, एक मौका दे रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि 1+ crore की स्कॉलरशिप, उसमें से आप लोग भी कुछ जीत सकते हैं, ठीक है। जो टेस्ट है आपका दोनों में अवेलेबल है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और जो टेस्ट है ऐसा नहीं कि अगर आपके पास लैपटॉप है तभी ही देंगे, कोई भी स्टूडेंट दे सकता है इस टेस्ट को, ओके, तो आप एंड्रॉयड से भी दे सकते हैं। कब है टेस्ट, 27 जून को है, तो ज़रूर इनरोल करो, फ्री है एब्सोल्युटली, कोई आपके चार्जेस नहीं है, ये टाइमिंग्स आपके लिख रखी है, आप लोग जो है क्लास 10th के, तो आपकी होगा 11 AM को, ठीक है। देन दिस इज ऑल अबाउट अनअकैडमी, जहाँ पे अभी आपको जो है 10% ऑफ चल रहा है, प्लस एज वेल एज ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। नाउ ये सब चीज़ें आपको कहाँ से मिल सकती हैं, आपको जो है प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से मिल जाएंगी, अनअकैडमी का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आप ये फीचर्स जो है ट्राई कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर चैप्टर, ठीक है, देख लेते हैं कॉमेंट्स में क्या चल रहा है तब तक, और फिर जो है हम अपना जो आज का जो चैप्टर है इसको शुरू करने वाले हैं। और आपको पता है इससे पिछले हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है, और उसका आज रात को 8 PM पे उसका क्या है, आज मेंटी क्विज रखा है, ठीक है, तो वो मैं आपको टेलीग्राम में डाल ही दूंगी, प्रॉपर लिंक्स वगैरह वो आपको पता लग जाएगा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता रही हूँ। यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट तनिषा, चलो करते हैं शुरू।
चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की कितनी वेटेज है? तो देखो वेटेज वाइज में अगर आपको बताऊं तो जो आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर पता क्या है, वेटेज वाइज भी एज वेल एज आपकी टफनेस वाइज भी, जो इलेक्ट्रिसिटी वाला आपका चैप्टर है ना वो जो है आपका टॉप पे आता है। इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट दोनों इक्वल चैप्टर हैं, दोनों की परसेंटेज और वेटेज भी इक्वल ही रहती है, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे आपका आता है ह्यूमन आई, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ है, और इधर से आपका आता है ये वाला चैप्टर जो कि मैग्नेटिज्म वाला है। तो इन दोनों की जो वेटेज है सेम रहती है ऑलमोस्ट। तो अगर आप लगा लो, अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी और लाइट वाले चैप्टर में से 5 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है, मतलब 3 से 5 इतना कुछ रहता है, तो उस हिसाब से ये वाले चैप्टर जो है आपका डिपेंड करता है। कभी इसमें से आपको लाइक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा और 2 मार्क्स के कुछ स्मॉल वाले आ जाएंगे, या अकेला कभी कभी एक क्वेश्चन आता है, बट आप ये लेकर चलो कि यहाँ पर जो आपको है 3 मार्क्स तो आपके है ही पक्का, ठीक है। चलो चले, अब समझ लग गया, आज जो हमारा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, एंड मैं देख लूँ कितने बच्चे आए हैं। सो हेलो एवरीवन, हेलो हाय ईगल आए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करने वाले हैं हम लोग अपना चैप्टर है, अब ध्यान दो, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है ये है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली अब यहाँ पे दो बातें हो रही हैं, एक तो हमें ये टर्म दिख रही है मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक हमें दिख रहा है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमें पहले तो ये देखो ध्यान से यहाँ पर क्या हो रहा है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, उससे पहले भी आपको समझना पड़ेगा भाई मैग्नेट क्या होती है, फिर उसका हम देखेंगे उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, किस पे बात करनी है आपको, इलेक्ट्रिक करंट पे बात करनी है। वैसे अगर आप इस चैप्टर को नहीं समझोगे ना तो आपको थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से करवाने वाली हूँ, ताकि जो भी आपके कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ज्यादा तगड़े बन जाए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बन गया, आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव अच्छी बन गई, तो आपका जो पूरा का पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम दो टॉपिक्स पढ़ते हैं बेसिकली, एक तो मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद करंट पे पढ़ेंगे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलो पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जो कि क्या है, मैग्नेटिक के ऊपर है। मैग्नेट के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो पहले मुझे ये बताओ मैग्नेट क्या होती है। हम सब ने छोटे होते देखा है भाई मैग्नेट क्या है, सब उसके साथ प्ले भी करते थे मैग्नेट के साथ। तो मैग्नेट क्या है? कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है, या फिर आयरन जैसी कोई भी ऐसे जो और सब्सटेंस होते हैं उसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। चाहे फिर वो निकल हो, चाहे फिर आपके पास वो निकल हो सकता है, आपके पास वो स्टील हो सकता है, तो ऐसी जो भी चीजें हैं उनको जो चीज अट्रैक्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, ठीक है ना। देन उसके बाद क्या है, ये तो होगी मैग्नेट, समझ लग गया, जो कि हमने बचपन में भी बहुत बार देखी है कि भाई हम मैग्नेट के साथ खेलते भी थे। मैग्नेट्स जो होती है ना बेसिकली वो थी क्या, होती तो नेचुरल ही है, एक चीज तो हमेशा जो थी नेचुरल थी, बट ह्यूमंस ने उसको अपने अकॉर्डिंगली बना लिया, आर्टिफिशियल भी बना लिया, ठीक है। जब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनी हमारे पास, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में जैसे कि आप देखोगे आपके पास बार मैग्नेट आ गई, हॉर्स, ये हॉर्स मैग्नेट होती है जिसको हम कहते हैं यू शेप मैग्नेट, या फिर आपके पास एक जो निडल होती है ना, आपने देखा होगा निडल जो कॉम्पास होती है उसके बीच में जो मैग्नेट होती है, ये सारी जो मैग्नेट्स है ये हमने आर्टिफिशियली बना ली। बट जो नेचुरल मैग्नेट होती है उसकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है, वो तो हमें जैसे अर्थ में से बाकी के ओर्स मिलते हैं, बाकी के जैसे कि ओर्स मिलते हैं उसी तरह से वो मैग्नेट निकलती थी। और जो नेचुरल मैग्नेट होती है उनकी जो पावर होती है अट्रैक्ट करने की या फिर रिपेल करने की, उनकी जो पावर थी ना वो भी बहुत ज्यादा वीक होती थी। बट जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो कि आप देख रहे हो, ठीक है, ये होती है जो हमारी यू शेप मैग्नेट, ये होती है जो हमारी कौन सी होती है, नॉर्मल बार मैग्नेट, इनकी जो पावर है बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और जो ये क्या करते हैं, ये बहुत बढ़िया तरीके से एक्ट करते हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल है मैन मेड बनाई रखी है, हमने खुद अपने केमिकल कॉम्पोजिशन से बनाई है, ठीक है। ये तो थी मैग्नेट्स के बारे में। अब मुझे एक बात बताओ, मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक ये पोल होता है, एक ये पोल होता है, इनके क्या नाम है, टेल मी, ये तो बहुत इजी सा आंसर है, बताओ मुझे इनके क्या नेम है। रिंकी का आंसर आया है मैग्नेट के ऊपर ए ऑब्जेक्ट विच कैन अट्रैक्ट आयरन निकल एंड कोबाल्ट, एब्सोल्युटली राइट बच्चा। हेलो श्रिया, ठीक है, जो बच्चे अभी एंटर कर रहे हैं उनको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, राइट राइट।
नॉर्थ होता है एक हमारे पास, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। लेकिन हमको कैसे पता लगा कि भाई एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है? तो बेसिकली क्या होता है, जैसे किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करा तो उन्होंने ऐसे बार मैग्नेट को ऐसे हैंग कर दिया, ठीक है, हवा में आप ऐसे हैंग कर दो बार मैग्नेट को, किसी भी रोप के साथ ऐसे बांध कर हैंग कर दो, तो जो मैग्नेट की डायरेक्शन थी नेचर में, एक जो मैग्नेट का पार्ट है वो नॉर्थ की तरफ हो जाता है, एक साउथ की तरफ हो जाता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगता है, जो मैग्नेट है वो दो चीजों से बन रखा है। कौन कौन से दो चीजों से बन रखा है? नॉर्थ एंड साउथ पोल उसमें जो है होते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे उन्होंने करा था साइंटिस्ट ने, उन्होंने ऐसे जो मैग्नेट ऐसे इसको हैंग कर दिया था, फिर हमको जब पता लग गया था कि जो एक पोल है वो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, एक पोल साउथ की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, जिससे हमको ये पता लग गया कि मैग्नेट के जो है दो पोल्स होते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ को साथ में लेकर आती हूँ तो क्या होगा? अगर मैं नॉर्थ और नॉर्थ को लेकर आती हूँ या फिर साउथ पोल और साउथ पोल को लेकर आती हूँ, तो व्हाट विल हैपन? ये हमको पता है क्या होता है, राइट? बहुत बढ़िया, कमेंट्स में सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी नाइस। प्रमलेश का आया है, गेमिंग का आ गया है, देन आदित्य, वेरी नाइस, ठीक है। क्या होते हैं? ऋतिक चौधरी ने पूछा है कि मैग्नेट का जो फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आयरन का फॉर्मूला होता है वैसे मैग्नेट का फॉर्मूला होता है, तो ये वैसे आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की क्योंकि आपकी बुक में है नहीं, बट स्टिल आपकी नॉलेज के लिए इफ यू वांट टू नो आई कैन टेल यू, Fe2 and O3 होता है, ठीक है। तो ये होता है इसका आंसर दो जो मैं बता रही हूँ आपको, जब ये दो पोल्स जो सेम पोल होते हैं अगर उनको हम साथ में लेकर आते हैं, व्हाट विल दे डू? लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, एब्सोल्युटली राइट। सबके आंसर आने शुरू हो गए हैं, राइट राइट राइट। पिंकू, आदित्य, रिंकी, प्रमलेश, दर्शन, गेविंग, ठीक है, नैन्सी, राइट। तो ये क्या होते हैं हमारे जो है लाइक पोल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, लाइक अगर हम नॉर्थ और साउथ को पास लेकर आते हैं, दे विल अट्रैक्ट। तो ये बहुत कॉमन सी चीज है जो हमने चार्जेस पे भी पढ़ी थी, तो यही चीज अगर आप नोटिस करोगे ना, जो चार्जेस वाला चैप्टर हमने करा था, जो मैग्नेट वाला चैप्टर करेंगे, क्यों लिंक करता है, जो दोनों चैप्टर को क्यों लिंक करा गया है, क्योंकि जो इनमें बहुत सारी चीजें ना वो सिमिलर दिखेंगी आपको, जिसके कारण आपको दिखेगा कि भाई इसलिए ये दोनों चीजें लिंक करी है। जैसे चार्जेस के प्लस और नेगेटिव, इसी तरह से मैग्नेट्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब बात करते हैं अगला। अब क्या है हमारे पास, अब यहां तक हमें ये पता लग गया लाइक पोल्स क्या करते हैं, ऑल्वेज रिपेल करते हैं, ऑपोजिट पोल्स पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो दो पोल्स हैं, आपको एक और बात बताती हूँ, जो ये दो पोल्स होते हैं ना मैग्नेट के, नॉर्थ एंड साउथ, अगर आप इसको काट भी देंगे कभी भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो सकते। अगर आपने इसको काट दिया, ठीक है, आपने छोटी मैग्नेट कर दी, उसमें भी जो है अपनी पोलैरिटी अकर कर लेंगे, वो फिर से नॉर्थ और साउथ बना लेंगे। आपने इसको और काट दिया, ठीक है, आप चाहे इसको एकदम टाइनी सा बना दो, फिर भी उसमें जो है नॉर्थ और साउथ हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। इससे क्या पता लगता है, जो पोल्स है ना वो ऐसे कभी एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, जब भी एग्जिस्ट करेंगे दोनों एक साथ एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो चलो इतना क्लियर हो गया। तो यहां तक हमने क्या पढ़ ली, हमने जो है मैग्नेट की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, जिसमें हमने क्या समझा कि दो चीजें होती है, एक नॉर्थ पोल होता है एक साउथ पोल होता है, जब हम उसको हैंग करते हैं तो हमको ये चीजें समझ लग जाती हैं। अब क्या है, द पोल्स ऑफ मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन, उसको हमने कह दिया नॉर्थ पोल, जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसको हमने कह दिया साउथ पोल, ठीक है। और जो मैग्नेट्स है वो रिपेल करती है, ईच जो लाइक वाले होते हैं वो रिपेल करते हैं लाइक पोल्स, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट में कि हम जो है इनको क्यों नहीं, इनकी जो पोलैरिटी ऐसे क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा है, ठीक है। आप इसका कोई बेसिकली आप इस चीज को क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसको जितना मर्जी तोड़ दो जितना मर्जी तोड़ दो, ठीक है, ये हमेशा इसी वे से अक्कर करेंगे, वो अंदर जाके जो पोलैरिटी है वो अक्कर हो जाती है, उसका जो केमिकल फॉर्मेशन है वो ही कुछ इस तरह से है, जो भी अभी मैंने आपको केमिकल फॉर्मूला बताया था ना, उसकी फॉर्मेशन ही कुछ इसी तरह से है। बाय डिफॉल्ट कुछ पार्टिकल्स नॉर्थ की तरफ आ जाएंगे, कुछ पार्टिकल साउथ की तरफ, जो कि हमारे नेचर में जो भी डायरेक्शन होगी उसके अकॉर्डिंगली वो चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अब मैग्नेट
फील्ड क्या होती है इसके बारे में देखो। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझो, फिर इसके रिगार्डिंग हम बातें करेंगे। तो देखो, जब आपको पता है, जब हम छोटे होते थे, ठीक है, तो ऐसे किसी मैग्नेट के पास, अगर ऐसे हमारे पास कोई मैग्नेट होती है तो उसके पास आप कोई चीज लेकर आते थे, ठीक है, तो क्या उससे अट्रैक्ट हो जाती थी ना। अगर मैं सपोज आपको कहती हूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई मैग्नेट है, ठीक है, तो मैग्नेट है, अगर मैं उसके एरिया में यहाँ पर कोई निडल लेकर आती हूँ, ठीक है, निडल, सुई लेकर आती हूँ, पिन लेकर आती हूँ, तो क्या वो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी? नहीं होगी, ठीक है, ऐसे नहीं होगी। अगर मैं थोड़ा उसको पास लेकर आऊंगी, जितनी मैग्नेट की पावर होगी तभी अट्रैक्ट होगी। अगर मैंने यहाँ पे पिन रखी है, कोई मैंने यहाँ पे पिन रखी है, तो क्या वो इस मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएगी? नहीं होगी। कब अट्रैक्ट होगी? जब हम उसको उसके पॉइंट के पास लेकर आएंगे जहां तक उस मैग्नेट की जो पावर जा रही है, मान लो उस मैग्नेट की जो पावर है यहां तक जा रही है, इस फील्ड तक, जो मैंने एक चक्कर व्यू बना दिया है इस मैग्नेट के आसपास, तो जो उसकी मैग्नेट की पावर कितनी है, उतनी ही है। अब इस पावर में जो जो चीजें आएंगी इस एरिया में, वो सारी चीजें इस मैग्नेट को अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। बट अगर जो भी मैंने आयरन की या स्टील की जो भी चीज अगर मैंने यहाँ पे रखी है, दूर रखी है इस एरिया से बाहर, वो अट्रैक्ट नहीं होगी। तो बेसिकली जो ये एरिया बनता है मैग्नेट का आसपास, ठीक है, जो कि एक्चुअल में हमको दिखता नहीं है, एक इमेजिनरी फील्ड है, ठीक है, जो कि हमें दिख नहीं रही, बट वो एक्चुअल में है वहां पे, बट हमको दिख नहीं रही, उसको हम फील्ड को क्या कहते हैं? उसी फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि वहां पे जो हमको फोर्स फील होता है, फोर्स फील होती है तभी तो वो पिन उसके तरफ अट्रैक्ट होके जाती है। समझ लगी इतनी चीज? अब इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं? द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, वो एरिया जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करे जाते हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। और जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो ये मैग्नेटिक, ये क्या होती है? ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी होती है। अभी डायरेक्शन वाला पॉइंट मैं अभी आपको बताती हूँ आगे चलकर, पहले ये देखो, बताओ मुझे इतना क्लियर हो गया क्या? इतना बताओ, देन आई विल टेल यू अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट, अब हमको मैग्नेटिक की डायरेक्शन पकड़नी है। हाउ मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन? बच्चा, मैग्नेट के अंदर वो चीजें होती है ना, इसी तरह से इसकी कॉम्पोजिशन है, उसकी कॉम्पोजिशन, उसके बीच में आयरन है, उसकी जो कॉम्पोजिशन इस तरह से बन रखी है कि वो अट्रैक्ट करता है उसको, ठीक है। चलो देखो, अब इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग अ कंपास और एनी अदर मैग्नेट। तो बेसिकली आपको पता है, अगर आपको ये चेक करना है कि जो फोर्स एग्जर्ट हो रही है, ठीक है, वो किस पे एग्जर्ट हो रही है, कैसे आप पता कर सकते हैं? उस डिवाइस को आप जो है कंपास से देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया, जो ये फील्ड बनता है किसी मैग्नेट के आसपास, ठीक है, इस फील्ड को हम क्या कहते हैं? इस फील्ड को हम कहते हैं मैग्नेटिक लाइंस, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और ये हमने अभी पीछे डिस्कस करा है, इमेजिनरी लाइंस होती है जो कि एक मैग्नेट के अराउंड बनती हैं। और इसके लिए अब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, जो कि मैं अभी आपको बता देती हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या करा गया था? अब उनको पता कैसे लगा था साइंटिस्ट को कि भाई ये जो फील्ड की जो लाइंस है, ये जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो लाइंस कैसे जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है ना, ये आपको दिख रही है यहाँ पे, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ये चीज एक साइंटिस्ट को कैसे पता लगी? तो बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या करा, उन्होंने बार मैग्नेट ली, ठीक है, उन्होंने इस तरह से मैग्नेट ली और उन्होंने इसके ऊपर क्या ये डाल दिए, उन्होंने स्प्रिंकल कर दिया आयरन फिलिंग को, ठीक है, दे स्प्रिंकल आयरन फिलिंग। आयरन फिलिंग क्या होते हैं, मतलब कि आयरन का पाउडर, ठीक है, उसको पीस दिया, उसको छोटे छोटे पीसेस में, और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे फैला दिया। जब उन्होंने फैला दिया, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, वो जो आयरन पीसेस थे उन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर लिया। और जब उन्होंने अपने आप को रीअरेंज करा, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, रीअरेंज कर लिया, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को रीअरेंज कर लिया इस शेप में। और जब उन्होंने इस शेप में रीअरेंज कर लिया, तो उनको पता लग गया साइंटिस्ट को कि जो हमारी ये चीज है, ठीक है, जो मैग्नेट है, इसमें जो डायरेक्शन है वो किस तरह से है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक्चुअल में कुछ भी
सीखने वाला नहीं है, साइंटिस्ट ने भी अज्यूम ही करा है, ठीक है, उन्होंने भी अज्यूम करा है कि जो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो ऐसे हमारे पास नॉर्थ एंड इट इज साउथ, तो ये इस तरह से कुछ जा रही है और ये कुछ इस तरह से लाइंस आपकी बनती जाएंगी, और जितनी ज्यादा ये पास रहेंगी मतलब कि उतनी ज्यादा स्ट्रोंग है, अगर जहाँ पे जितना ज्यादा रश होगा, जितनी ज्यादा क्राउड होगी उतनी ज्यादा स्ट्रोंग होगी हमारी जो लाइंस मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये दूर जाएंगी तो ये फिर लाइट लाइट होते जाएंगी, वहां पे जो मैग्नेटिक की पावर है वो वीक हो जाएगी, तो यहाँ से जो हमको पता लगा था कि ये क्या है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, इसीलिए आपका जो ये वाला पॉइंट आता है कि जो ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि एक फोर्स भी लग रही है और इसके ऊपर एक डायरेक्शन भी और एक मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, फोर्स वाला पॉइंट भी अभी आपको मैं क्लियर करती हूँ। चलो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या है, तो पहले ये देखो आपकी ये चीज तो मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से जा रही है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, लेकिन जो मैग्नेट के अंदर क्या हो रहा है, अंदर आउटसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा है, जो है नॉर्थ से साउथ जा रही है, इनसाइड द मैग्नेट क्या हो रहा है, यही जो लाइंस घूम के अंदर आ जाते हैं वापस, तो ये साउथ टू नॉर्थ हो जाता है, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट क्या होती है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, और ये जो लाइंस है जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे जो लाइंस है कम होती जाएंगी कुछ इस तरह से, क्योंकि जितना आप दूर जाते जाएंगे उसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड है उसकी पावर उतनी ज्यादा जो है कम होने लग पड़ती है, ठीक है, तो यहाँ से देखो जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से ओरिजिनेट करती है, नॉर्थ पोल से शुरू होती है और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है, वहां तक ही जाती है, उससे आगे नहीं जाती, लाइंस की जो मैंने आपको डायरेक्शन बता दी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो, ये प्रॉपर्टीज वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आउटसाइड द मैग्नेट क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो नॉर्थ से साउथ लेते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इनसाइड द मैग्नेट क्या करते हैं, साउथ टू नॉर्थ पोल लेते हैं, ठीक है, ये चीज हमने समझ ली, सिंपल सी बात है, बस आपको इसको सिंपल सा याद करना है, यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे साउथ है, ये डायग्राम भी आपको आ जाता है बनाने के लिए, तो जब यहाँ से ऐसे जाएंगी तो बाहर क्या हो गया, नॉर्थ से साउथ, और यही वापिस अंदर घूमकर आ जाएगी इस तरह से, वो क्या बन गया, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, अगला क्या है, द प्लेस वेयर दे आर क्लोजर इंडिकेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एट द पोल, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी ना, यहाँ पे पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि वो जगह जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बहुत ज्यादा क्राउडेड है, जैसे कि ये जगह है यहाँ पे कितने सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, ठीक है, तो ये जगह क्या होगी, यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जो फोर्स होगी आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, और जहाँ पे जैसे आपके दूर दूर जाते जाएंगे यहाँ पे क्या होगी, वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ओके, देन उसके बाद क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, अब मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है यही हमें फोर्स की डायरेक्शन देती हैं, अब ये कैसे देती हैं ये चीज समझो, जैसे कि आपकी ये जा रही है ना, ये लाइन जा रही है, अगर आप यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे तो आपकी किसकी आ जाएगी, फोर्स की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उसके आप टेंजेंट ड्रॉ कर लें वो फोर्स की डायरेक्शन देगा, और यहीं से एक और पॉइंट हमारे पास आता है, ये अलग से क्वेश्चन बनकर भी आ जाता है, इसको ध्यान से सुनो, ठीक है, तो क्वेश्चन इसका क्या बनता है कि कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे कि ये निकल रही है ये निकल रही है, ये आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ठीक है, टू लाइन्स कोई भी दो लाइन्स फोर्स की आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती, ये क्वेश्चन बनता है, तो देखो ये क्यों नहीं करती इंटरसेक्ट, इसका भी रीजन सुनो, ऐसे लुक एट द डायग्राम अगेन, आई विल एक्सप्लेन यू, लेट मी अरेज दिस, तो देखो आपकी जो है ऐसे फोर्स लाइन चल रही है, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी, पहली बात तो ये आपस में सब पैरेलल है, ठीक है, तो इंटरसेक्ट तो करेंगी नहीं, ठीक है, सब एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, बाय चांस हमने अज्यूम कर लिया कि किसी पॉइंट पे लाइक ये ऐसे आके और ये ऐसे आके एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर गए इस पॉइंट पे, मान लिया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे दो टेंजेंट्स निकल जाएंगे, इधर वाला टेंजेंट और एक इधर वाला टेंजेंट, और किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की या किसी भी फोर्स की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, ठीक है, फोर्स की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, तो इसीलिए कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन
never intersect each other as they give direction of force and force cannot have two direction at a time. ठीक है, समझ लग गया? बताओ कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट आ रहे हैं? ओके तनीषा, थैंक यू, समझ आ रहा है आपको? हाय ममता, समझते चलो। ठीक है, टेंजेंट क्या होता है बच्चा? टेंजेंट हमने पिछले चैप्टर में भी समझा था, बताती हूँ, रुको जरा, ये लास्ट पॉइंट कवर कर देती हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जो कॉन्टिन्यूसली एकदम क्या चलती हैं, दे आर क्लोज्ड कॉन्टिन्यूस कर्व्स। तो आपको ये दिख रही है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है? ये कॉन्टिन्यूस क्लोज्ड कर्व्स है, यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे आके खत्म हो रही है, फिर यहाँ से निकल रही है यहाँ पे खत्म हो रही है। तो ये चीजें हमको समझ लग गया। टेंजेंट क्या होता है, अब ये सुनो। तो टेंजेंट क्या होता है, लाइक अगर हमारे पास सर्कल वाले में भी, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, जब सर्कुलर मोशन होता है, देखो ऐसे जब भी कोई आपके कर्व पाथ में बात कर रहे होते हैं तो उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, कर्व पाथ में जब हम बात कर रहे होते हैं उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, मान लो आप यहाँ पे पत्थर घुमा रहे हो। आपने कभी देखा बचपन में हम लोग क्या करते थे, अपने हैंड में ऐसे क्या होता था, पत्थर सा पकड़ के इसको एक स्टोन के साथ, पत्थर को स्टोन को एक रस्सी के साथ बांध के उसको ऐसे जोर जोर से गोल 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 घुमाते थे, ठीक है, और फिर जब हम उसको किसी छोड़ देते थे जिस पॉइंट पे, तो वो उसी डायरेक्शन में जाके गिरता था। अगर मैंने उसको यहाँ पे छोड़ा तो इस डायरेक्शन पे आके गिरता था, अगर मैंने यहाँ पे छोड़ा इस डायरेक्शन पे आके गिरता है। तो ये जो चीज होती है ये क्या होती है, ये ऐसे अगर मैंने छोड़ा तो ऐसे गिरेगा, ये ऐसे छोड़ा तो ऐसे गिरेगा, तो ये टेंजेंशियल होती है। इस जो ऐसे ये गया, इस टर्म को हम कहते हैं टेंजेंशियल, ठीक है। तो यहीं से जो हमारी टर्म आती है कि टेंजेंट बन जाता है उस पार्ट के। तो यही चीज यहाँ पे हो रहा है, सर्कल में था और यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो वो उसके टेंजेंट बन जाएगा। इस टर्म को बेसिकली टेंजेंट कहते हैं। दो अलग अलग मैग्नेट की तो ऑब्वियसली इंटरसेक्ट कर, अगर दो अलग अलग मैग्नेट्स को अगर आप एक ही एरिया में ला के रख दोगे तो आपको पता तो है वो अट्रैक्ट करना शुरू कर जाती हैं, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि आपका, अब यहाँ से हमने जो है मैग्नेट का पार्ट समझ लिया, ठीक है, अब जो है मैग्नेट हमने समझ लिया मैग्नेट क्या होता है। अब आप अपने बुक में देखोगे तो आपके बुक के स्टार्टिंग में ये एक हमें दे रखा है ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हमको ये पता लगा था कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जो है करंट के साथ या मैग्नेटिक के साथ कैसे रिलेट करती है। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट में जो ये सर थे, ठीक है, जिन्होंने, साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, तो बेसिकली वो क्या कर रहे थे, वो एक दिन ऐसे ही कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। तो जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने पूरा ऐसे इलेक्ट्रिक सर्किट सेटअप कर रखा था, ठीक है, पूरी वायर वगैरह कंडक्ट कनेक्ट कर रखी थी, पूरा सेटअप उन्होंने कर रखा था। और जैसे उन्होंने करंट पास करना शुरू करा, ठीक है, जैसे उन्होंने ऐसे सर्किट को ऑन करा और करंट पास करना शुरू करा, जैसे कि आपको दिख रहा है इसमें से करंट पास करना शुरू करा, तो उनके पास में एक मैग्नेटिक कंपास पड़ी थी साइड पर, ठीक है, वहीं पे साइड पे एक मैग्नेटिक कंपास पड़ी थी। उसमें क्या हुआ, उसमें आ गई डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन क्या होता है, मतलब कि अगर ऐसे कोई कंपास पड़ी है, उसकी अगर निडल ऐसे पड़ी है, ठीक है, तो वैसी रहेगी ना, लेकिन जब वो नीडल ऐसे ऐसे मूव करना शुरू कर देती है हल्का 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 हल्का, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन। तो उसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन। उन्होंने क्या नोटिस करा, उसमें डिफ्लेक्शन नोटिस करी। तो जो जो कंपास यहाँ पे नॉर्थ पे थी वो मूव होके कहाँ चलेगी, वेस्ट में चलेगी, वो थोड़ी सी मूव होगी, उसकी डायरेक्शन वेस्ट में चलेगी। तो यहाँ से उन्होंने क्या नोटिस करा, उन्होंने देखा कि जैसे मैंने करंट पास करा सर्किट में, मैग्नेटिक तो उसके साथ बिल्कुल भी टच नहीं थे ना, मैग्नेटिक कंपास तो उसके साथ टच थी नहीं, वो तो अलग से साइड पे पड़ी थी। उन्होंने देखा उसमें जो है डिफ्लेक्शन आई, उसमें कुछ चेंजेस आए, नीडल की जो डायरेक्शन बदल गई। फिर यही चीज उन्होंने कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है करंट की डायरेक्शन बदल दी, जैसे कि इधर पहले पॉजिटिव था इधर नेगेटिव था, अब उन्होंने जो है डायरेक्शन बदल दी करंट की, इधर नेगेटिव कर दिया और इधर पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या नोटिस करा, अब उन्होंने नोटिस करा कि जो फिर से चेंजेस हुए, निडल में फिर चेंज आया, लेकिन अब क्या चेंज हुआ, अब वो साउथ की तरफ नहीं, सॉरी वेस्ट की तरफ नहीं गई और ईस्ट की तरफ आ गई, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने नोटिस करी मैग्नेटिक कंपास निडल में। तो यहाँ से उनको ये चीज पता लगी कि जो हमारा करंट है, ठीक है, जैसे हम सर्किट में से करंट पास करते हैं
तो जो हमारी मैग्नेटिक कॉम्पास है उसमें जो है चेंजेस आते हैं, तो यहाँ से हमको ये पता लग गया जो हमारा करंट और मैग्नेटिज्म का, ठीक है, करंट और मैग्नेटिज्म का कुछ ना कुछ तो लिंक है, ठीक है। तो यहीं से अब आप जो है चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक इंडक्शन के बारे में, ठीक है। अभी उन्होंने क्या करा था, करंट चला के मैग्नेट मैग्नेट मूव करी, ठीक है। फिर जो इलेक्ट्रिक इंडक्शन वाला आएगा उसमें क्या होता है, हम मैग्नेट जो मैग्नेट है ना, मैग्नेट को यूज करके करंट प्रोड्यूस करते हैं। अभी जहाँ पे उल्टा हो रहा है, आपने करंट से मैग्नेट को प्रोड्यूस करा, ठीक है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करा। और जब वो दूसरा पार्ट पढ़ोगे आप इस चैप्टर का जो कि इलेक्ट्रिक इंडक्शन वाला है, उसमें हम मैग्नेट की हेल्प से जो है करंट को मूव करेंगे। तो यहाँ से आप एक चीज समझो, देखो मैग्नेट्स कितनी ज्यादा पावरफुल होती हैं, ठीक है, कि आप उससे ज्यादा करंट तो नहीं ऑपरेट कर सकते ऑब्वियसली, बट थोड़ा बहुत करंट ऑपरेट हो जाता है। क्या रिपीट करूं मुझे बताओ, ये वाला टॉपिक फिर से रिपीट कर दूं? तो चलो सुनो, ये वाला टॉपिक फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। सुनो क्या हो रहा है, तो जो ये एक्सपेरिमेंट है इसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये इन साइंटिस्ट ने करा है, इनके नाम पे एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ा है। तो ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, ये अपना रेगुलरली कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। जैसे हम लोग कोई और काम कर रहे होते हैं, तो उन्होंने अपना उस एक्सपेरिमेंट का पूरा जो है सिस्टम बना के रखा हुआ था, ठीक है, ये दो अलग डायग्राम से इकट्ठे नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को, जैसे उन्होंने जो स्विच है उसको ऑन करा, ठीक है, स्विच ऑन करा, तो उनका जो करंट जैसे फ्लो करना शुरू करा, उन्होंने देखा उनके साइड पे एक कॉम्पास पड़ी थी। मान लो यहाँ पर कहीं साइड पे एक कॉम्पास पड़ी थी, मैग्नेटिक कॉम्पास, ठीक है, जो कि कॉम्पास पहले क्या थी, ऐसी सिंपल पड़ी थी नॉर्मली, पर जैसे ही उनका ये करंट यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ, तो क्या हुआ, जो कॉम्पास की निडल थी वो ऐसे हल्की हल्की मूव करने शुरू होगी, वो ऐसे ऐसे मूव करने शुरू होगी उस जगह पर, ठीक है, कंपास में निडल डिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी, तो इस मूवमेंट को हम कहते हैं डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उन्होंने नोटिस करा जैसे करंट पास हुआ, ठीक है, इस चीज में क्या आ गई, डिफ्लेक्शन। अगर डिफ्लेक्शन देखो कब आती, मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन कब आनी चाहिए थी, जब इसके आसपास कुछ मैग्नेट होती, अगर मेरे इसके आसपास बार मैग्नेट रख रखे होते जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होता, तो इसमें डिफ्लेक्शन आती समझ आता, क्योंकि मैग्नेट है, मैग्नेट मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर क्या था, कोई मैग्नेट नहीं पड़ी थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था, सिर्फ करंट था। तो उन्होंने नोटिस करा कि इस जो निडल है, ये मैग्नेट जो कंपास है, ये डिफ्लेक्शन शो कर रही है, ये चेंजेस शो कर रही है, इसकी जो निडल पहले ऐसे नॉर्थ की तरफ थी वो वेस्ट की तरफ हो गई, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उन्होंने इसी चीज को कंफर्म करने के लिए, क्या जो मेरा करंट है क्या उसकी वजह से ही जो इसमें चेंजेस आ रहे हैं, उन्होंने इस चीज को कंफर्म करने के लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो थी इसकी डायरेक्शन बदल दी, ठीक है, करंट की एक बार डायरेक्शन बदल दी। जैसे कि इधर पहले ये चार्जेस थे, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्शन बदल दी, इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, तो जो आपका करंट है आपको पता है वो कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अब जो करंट था इधर मूव करेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से मूव करेगा, तो अब जो करंट थी उसकी डायरेक्शन बदल गई। अब उन्होंने नोटिस करा कि जो पहले निडल इधर जा रही थी ना वेस्ट की तरफ, अब जो निडल है वो इधर हो गई, ठीक है, अब आप देखोगे ना वो निडल इस तरफ होगी ईस्ट की तरफ, मतलब कि एक्चुअल में वहां पे जो थी डिफ्लेक्शन हो रही थी, मतलब कि वहां पे विदाउट मैग्नेट वहां पे जो हमें चेंजेस दिख रहे थे, इससे उनको क्या पता लगा कि जो करंट के थ्रू भी जो मैग्नेटिज्म क्रिएट हुआ है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ करंट भी अगर नीडल में डिफ्लेक्शन आई है, तो मतलब करंट में भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म जो है हमारा प्रोड्यूस होता है। तो बस यही हमारा टॉपिक था जो कि इस एक्सपेरिमेंट ने जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने करा था। हो गया क्लियर, ठीक है, अब ये चीज जो हमने समझ ली, अब देखो इसकी जो है आगे अगर करना चाहो तो इसमें आपको डायरेक्शन भी पता लग जाती है, आपको जो है स्नो ऐसे एक बना रखा होता है जो कि आपको उसकी डायरेक्शन याद कराने के लिए होता है कि कब जब वो नॉर्थ होगा कब वेस्ट में जाएगा, कब वो साउथ होगा कब कहाँ जाएगा, बट इस चीज की कोई जरूरत नहीं है तो मैं ये नहीं बता रही, क्योंकि वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जितना ज्यादा ईजी है उतना रखो, जितनी जरूरत है उतना रखते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट कंडक्टर्स, ठीक है,
अब तो हमने देख लिया नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, लेकिन अब हमको पता है कंडक्टर भी कैसे कैसे होते हैं। तो जैसे कि कंडक्टर्स की मैं बात करूँ, एक तो होता है आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर, जैसे कि नॉर्मली आपने कोई वायर ले लिया, ठीक है, नॉर्मल वायर ले लो, स्ट्रेट होता है। इसी तरह से एक होता है लूप। लूप क्या होती है, अगर आप उसी वायर को ऐसे गोल करके रख लो, सर्कल बना लो, लूप बना लो, तो वो लूप हो जाता है। सोलेनाइड होती है, ठीक है, वो आप पढ़ोगे, अभी आगे पढ़ोगे सोलेनाइड क्या होती है, उसके आसपास कैसे होता है। तो ये अभी हम कंडक्टर्स पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही फिर मैं आपको बताऊंगी कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। तो ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। पहले ये बताओ अभी तक चैप्टर क्या है, कितना समझ लगा है? कल करें, पहले मुझे ये बताओ अभी तक चैप्टर कितना समझ लगा है? समझ लग रहा है ना चैप्टर? टफ तो नहीं लग रहा? मुझे फीडबैक दो कि आपको कैसा लगा चैप्टर, इजी है चैप्टर, टफ है? क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है फिजिक्स में कि हमको जो है फिजिक्स बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, फिजिक्स टफ लगती है। मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, चाहे मेरे पास एक बच्चा है चाहे मेरे पास दो बच्चे हैं, मैं सिर्फ इतना करूंगी कि मैं पूरा आपको बेस्ट करवाऊंगी अपनी तरफ से समझाने के लिए, जितना इजी हो सके कि आपको जो है बढ़िया तरीके से चीजें समझ आ जाए, ठीक है, वो टफनेस वाला जो तरीका है वो समझ आ जाए। ओके 50%, ठीक है। देन यस अजय, स्टार्टिंग है चैप्टर की, ओके इजी, ठीक है, पूरा समझ आ गया टिल नाउ, वेरी गुड। यस अजय, आज हमने जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट करा है, और अगर आपने पहले अभी मतलब स्टार्टिंग में 5 PM से हमने जो क्लास शुरू करी थी आपने तब नहीं लगाई, तो आप आज ये चैप्टर वर्क कवर कर लेना, ठीक है। कल फिर से हम इस चैप्टर को करेंगे, और रोज जो मेरी क्लास होती है वो 5 PM होती है। एक दिन मेरी होती है 9th के साथ, एक दिन होती है 10th के साथ। अगर शेड्यूल में चेंज आता है तो मैं टेलीग्राम पे जो क्लास 9th 10th का हमारा ग्रुप बन रखा है अनअकैडमी का, मैं वहां पे इन्फॉर्म कर देती हूँ, ठीक है। ओके जो, चलो थैंक यू सो मच जिन जिन्होंने भी लिखा कि मैम हमको समझ आ गया, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो थैंक यू पिंकू, ठीक है। चलो मतलब समझ आ रहा है, अच्छी बात है। तो अगला टॉपिक क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक स्ट्रेट कंडक्टर में कैसे प्रोड्यूस होता है। इसको मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ क्या है, चैप्टर हम अगली क्लास में कर लेंगे, और आज जो है आपका मेंटी क्विज भी है तो ज्वाइन करना, मजा आएगा, ठीक है। तो देखो अब जो है अगला वाला इसमें क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, तो बेसिकली हम इसमें जो है सर्किट की बात करने वाले हैं कि सर्किट में जो है एक एक्सपेरिमेंट करा गया था जिसमें उन्होंने देखा था कि लाइक अगर हम ऐसे कार्डबोर्ड रख देते हैं एक वायर के साथ, ठीक है, लाइक यहाँ पे पहले आप सर्किट पूरा बना लो, हाँ ठीक है। तो ऐसे जब उन्होंने क्या कहा था, ऐसे अगर हम कार्डबोर्ड रख लेते हैं ऐसे कि इसे करंट फ्लो करेगा, ये प्लस है नेगेटिव है, तो अगर बीच में हम ऐसे कार्डबोर्ड रख लेते हैं और उसके ऊपर थोड़ी सी आयरन फिलिंग्स गिरा देते, जो कि हमने पीछे भी गिराई थी आयरन फिलिंग्स, ठीक है, तो वैसी तरह से अगर हम आयरन का पाउडर गिरा देते हैं इसके ऊपर, तो क्या नोटिस करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, जैसे इसमें जो करंट मूव करना शुरू हुआ, ठीक है, सर्किट में से, तो जो आयरन फिलिंग्स थी ना वो उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। कैसे अरेंज कर लिया, उन्होंने जो है अपने आप को सर्कुलर मोशन में अरेंज कर लिया, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस तरह से उन्होंने अपने आप को जो सर्कुलर मोशन में अरेंज कर लिया, तो जहां से भी उनको पता लगा कि जो स्ट्रेट कंडक्टर में भी किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसके ऊपर पूरा टॉपिक है, उसको मैं डिटेल में अगली क्लास में करते हैं। टिल देन ओके बाय बाय, आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस, एंड थैंक यू एवरीवन। यस आज मेंटी है, थैंक यू प्रमलेश, चलो चलते हैं, टाटा है, बाय बाय, एंड रोज आया करो, क्लास लगाया करो। वन शॉट में तो मैं करवाऊंगी ही करवाऊंगी, लेकिन जो रेगुलर क्लास लगाते हैं ना उसमें आपको दिक्कत नहीं होती, आपको टफ नहीं लगता चैप्टर समझने में, इजिली हो जाता है, नहीं तो फिर जब आप एक बार में करते हो तब थोड़ा सा टफ लगता है। ओके बाय।